हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज बहुत दिनों बाद अपना फिर से ब्लॉग आने वाला है। बहुत टाइम हो गया, लमसम एक डेढ़ महीना हो गया अपना ब्लॉग नहीं आया। सो आज ब्लॉग बनाने का मेन रीज़न ये है कि अपनी शॉप भी मैंने आपको एक बार दिखाई नहीं है और अपनी चेहरी की अभी सर्विस होने वाली है। रैप्टर जा चुकी है, रैप्टर मैंने सेल कर दिया और अपने पास अभी एक ही बाइक पड़ी अपनी लीवो, एंड अभी उसकी मैं सर्विस कराने वाला हूँ। फिर छोटी मोटी मॉडिफिकेशन करने की इच्छा है, तो अभी देखते हैं एक बार सर्विस कैसे क्या होती है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड क्या क्या खर्चा आता है वो देखेंगे और मेजर प्रॉब्लम क्या वो देखेंगे। 15-17,000 किलोमीटर रेगुलर चला रही मैंने और उसके बाद भी पता नहीं मेरे को कि अभी तक दिक्कत क्या आ रही है। अभी सर्विस करता हूँ, देखते हैं क्या ही कॉस्ट आती है, उसके बाद उसमें कुछ छोटा मोटा मॉडिफाई करेंगे और मिलता हूँ। लेट्स सी, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ एक बार, फिर चेक करते हैं। सो गाइज, ये हमारे सागर भाऊ की शॉप है, नई इमित्र की जस्ट अपने बाजू में, बहुत सजा के रखी हुई है और ये है अपनी शॉप। एंड लेट्स सी, फर्स्ट बार अपने व्लॉग में इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। ये अपना कांच, अपना सुंदर सुंदर मुखड़ा देखने के लिए और कुछ इस टाइप का बना रखा है अपन ने। पुष्पेंद्र के व्लॉग में भी आपने देख लिया कि मेरे व्लॉग में अभी तक आया नहीं है और ये सारा दिन मिट्टी उड़ती रहती, इससे परेशान हो गया हूँ मैं। हेलमेट्स, मॉडिफिकेशन के सारे पार्ट्स, इंडिकेटर्स हो गए, ये सब चीज़ें हो गई, सारे अपने यहाँ पर अवेलेबल है। एंड हेलमेट के वाइजर्स हो गए, हेलमेट्स हो गए, क्रैश गार्ड्स हो गए, लेग गार्ड्स हो गए और छोटी मोटी जितनी भी एक्सेसरीज है। और अभी तो बहुत ही सामान ऑर्डर कर रखा है मैंने, आने वाला है ये पूरा भर जाने वाला है। और अपनी बाइक खड़ी है सामने सर्विस पे, एक बार फिर आपको मैं बाइक दिखाता हूँ कि बाइक में मेजरली क्या काम है और इन्जॉय करते हैं। एक बार लाइट्स ऑफ कर दूंगा। सो गाइस, अपनी गाड़ी की सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, अभी देखेंगे मोटा चौड़ा कितना बिल बनता है। ये मोटा भाई अभी अपनी चैन खोल रहा है कि चैन के अंदर कौन सा जानवर फंसा हुआ है, देखना पड़ेगा। अभी गाड़ी की धुलाई होगी, चेस पकड़ तो ठीक है, नहीं चलना नहीं पड़े। सो अपनी लीवो की सर्विस पहली बार आफ्टर मार्केट हो रही है, हर बार अपने शोरूम पे होती है लेकिन इस बार तो 15-17,000 किलोमीटर चला लिया अपन ने रगड़ के। यहाँ पे स्प्रे वगैरह कर देंगे और पूरी चमका डालेंगे गाड़ी को, एक बार वॉशिंग हो जाती है उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या काम होता है। तो गाइस, अभी वॉशिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड अभी भैया बता रहे हैं कि क्लच प्लेट में दिक्कत आ रही है, अगर क्लच प्लेट रिपेयर करवाएंगे तो उसका मोटा खर्चा आएगा, देख लेंगे जो भी है। एक बार क्लच प्लेट चेक करवाते हैं और सर्विस करवाते हैं जनरल, फिर पता पड़ेगा। तो गाइस, अभी अपनी बाइक की सर्विस हो चुकी है कम्प्लीट और दिखा रहे थे एक बार आपको बाइक का कैसे क्या हाल है। ऐसे पूरी ब्लैक हो चुकी है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, खाली ऑयल चेंज हुआ है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और छोटी मोटी चीज़ें हुई है और जहाँ जहाँ पे जंग आ रहा था वहाँ पे पेंट किया ब्लैक। ये कुछ ऐसा सिस्टम हो रहा है, ये ब्लैक पेंट हो गया, ये हो गया। हैंडल काफ़ी टेढ़ा था, आफ्टर मार्केट काम कराने का यही मज़ा है कि इसको चेंज नहीं करना पड़ा, भैया ने ऐसे ही सीधा कर दिया एक कोकावा के। और ये क्लच वायर थोड़ा लपड़ा कर रही है, ये मैंने निकाल दिया था, मेरे को दिक्कत कर रहा है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक बोल्ट फिट करवा के फिर यहाँ पर जीटी मिरर लगाएंगे और ये वाले मिरर हटा देंगे, फिर अच्छी दिखेगी गाड़ी और फिर इस पर वीडियो बनाएंगे। ये पीछे से थोड़ा घस गया है तो इसको निकालना पड़ेगा और फिर बैटरी लगानी पड़ेगी, गाड़ी में सेल्फ नहीं है अभी तक, तो ऐसा कुछ प्रोसेस है। एक बार तो अभी तो लाइट नहीं है, फिर वेल्डिंग कराएंगे, फिर यहाँ पे अपना काम हो जाएगा, ये बोल्ट लगा के फिर वो बन के घूमेंगे, ठीक है। तो गाइस, अभी वेल्ड हो रहा है, तो गाइस अभी अपनी वेल्डिंग हो रही है, अगर प्लान सक्सेस गया काम बढ़िया हो जाएगा, नहीं गया तो पाइप बदलनी पड़ेगी। अब रिस्क नहीं करवा रहे, हमारे भैया बहुत अड़ी में अभी उदा उदा काम कर रहे हैं लेकिन हम करवा के जाएंगे, ड्यूटी पर लगेगा बस। खतरों के खिलाड़ी। सो फाइनली अभी अपनी बाइक हो चुकी है कंप्लीट, सर्विस हो चुकी है डन प्रॉपरली। एंड एक चीज़ मैंने और जल्दी मेरा इंस्टॉल किया अपनी बाइक में कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था, मेरे को कब से इच्छा थी लगाने थे, फाइनली अपने शोरूम आने के बाद अपने इंस्टॉल किया, तो एक बार बाइक का लुक चेक करवा पाऊँगा आपको। ये कुछ इस टाइप का, तो गाइस फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ, मतलब अपने शोरूम ऑफ करके, एंड अपनी बाइक का टोटली जितना भी काम आज के दिन में मेरे को करना था उतना मैंने कंप्लीट कर दिया है। और कसम से मेरी बाइक चलाने में को जो मज़ा आ जा रहा है वो अगले एक साल में अभी तक आया ही नहीं है और काफ़ी प्यारी लग रही है बाइक में। एक बार बाइक का लुक चेक करवाता हूँ आपको, सिनेमेटिक एन्जॉय करें एंड बताए कि सिनेमेटिक कैसे लगे।
सो गाइस अपने बाइक कुछ इस तरह की दिख रही है। अभी बहुत सारे मॉडिफिकेशन इस बाइक के अंदर बाकी हैं। मैं इस बाइक को जितना हो सके इतना लोड कर देने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी लगाऊंगा जो किसी ने इस सेगमेंट की बाइक में नहीं लगाई होने वाली है। और कोशिश करेंगे कि व्लॉग्स वापस से कंटिन्यू कर पाए, अपने यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाए। और बाइक कैसी लग रही है आप ज़रूर बता सकते हैं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि रैप्टर कहाँ गए, रैप्टर गए, तो रैप्टर अब चली जा चुकी है, अपने सेल कर दिए। और अब मैं शिफ्ट करूँगा ड्यूक 390 में, भले चाहे कब मर्जी भी करूँ। और मेरे को अगर अच्छी कंडीशन की गाड़ी मिलेगी तो मैं कल उठा लूँ और देखते हैं लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। और बाइक आपको कैसी लग रही है, सिनेमेटिक कैसे लगे वो मेरे को बिल्कुल बताएं। एंड मिलते किसी नजर फ्रेश वीडियो में, बाय।